काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अभी आने वाली है होली और होली से एक दिन पहले हम होली फेस्ट में आए हैं जो कि हमारे दोस्त के कॉलेज में किया जा रहा है, सुरेंद्रनाथ कॉलेज की तरफ से किया जाने वाला होली फेस्ट है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं कितना मज़ा आता है इस होली फेस्ट में और कैसे कैसे दोस्त लोग आए हुए हैं और सबका गेटअप क्या रहता है और किस किस टाइप का यहाँ पे मज़ा किया जाता है। पूरे फेस्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं तो वीडियो पूरा कंटिन्यू कीजिएगा और अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले, ऐसे ब्यूटीफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो ये कुछ माहौल है सुरेंद्रनाथ कॉलेज का और यहाँ एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है चारों तरफ, मतलब ग्रुप्स का गैंग घूमते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और यहाँ पे चारों तरफ आपको देख रहे होंगे जो भी दोस्त यार जितने भी है सारे यूनियन गैंग सब एक साथ एक दूसरे को रंग लगाते हुए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है होली फेस्ट में। ये सुरेंद्रनाथ की तरफ से किए जाने वाला होली फेस्ट है और हम हमारे दोस्त के कॉलेज आए हुए हैं क्योंकि उसने बोला था कि हमारे कॉलेज में बहुत ही धूमधाम से होली मनाया जाता है और जो कि दिखने में भी लग रहा है, जितने भी आपको कपल दिख रहे होंगे, दोस्त दिख रहे होंगे, पूरा गैंग दिख रहा होगा, सबको एक दूसरे को रंग लगाते हुए। ये होली फेस्ट होली से एक दिन पहले किया गया है सुरेंद्रनाथ कॉलेज में। आज है 17 मार्च और ये 17 मार्च है कुछ नज़ारा और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन यहाँ पे इतना ही दिख रहा है। फिलहाल भी हमारे कुछ दोस्त मिल चुके हैं और ये हमारे 3 दोस्त हैं। तो दोस्त फल साहब जान लेते हैं क्या नाम है आपका? आरिफ आदि। मतलब सर आप मतलब एक मॉडर्न तो दोस्त किसने बोला कि हमारे भारत में एकता नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ हम लोग ईद मनाते हैं होली मना रहे हैं और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बंगाल है ये दोस्त और यहाँ पे सब मतलब हर मजहब धर्म सब एक साथ है। तो दोस्त कुछ मैसेज देना चाहोगे आप हमारे पब्लिक को? भाई एकता एकदम जरूरी है सबके लिए, सबको हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहना चाहिए, हिंदू सबको मनाता है, होली सबको मनाता है, सबको मिलकर रहना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे दिखाने लायक है। तो बहुत कुछ आप सभी को दिखाना है तो वीडियो पूरा कंटिन्यू कीजिएगा और ये होली फेस्ट में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। तो इस तरफ कुछ दोस्त ग्रुप सेल्फी लेते हुए gang holding on to what I know to everything I've learned what is real and fabricated what is wrong what is my problem what can I get out aur ek se badhke ye khoobsurat chehre yahan pe dikhte hue halanki wo samajh mein nahi aa raha hai kyunki sabke chehre pe rang laga hua hai so no one understands she's too complicated away and I feel like I am someone कुछ होली फेस्ट का नजारा सुरेंद्रनाथ कॉलेज का। और दोस्तों इस कॉलेज में कुछ ड्रेस कोड ऐसा रखा गया है, कुछ दोस्त नीले पहने हुए, कुछ पीले और कुछ नॉर्मल जिनको जो मिल गया है वो पहने हुए हैं। किसी का ऐसा फेस नहीं है कि साफ सुथरा फेस हो, सब अजीब विचित्र जानवर लगते हुए। एक दोस्त मिली है हमारे कॉलेज में, ये हिंदी नहीं जानती है, बांग्ला जानती है, फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो तुम्हारे क्या इतना फर्स्ट ईयर हाँ तुम्हारे का फर्स्ट फेस मैंने होली पे 2 बच्चों तक तो लॉकडाउन छोड़ो था तो तुम्हें इसको तो तुम्हारे कैमन लागसी एखे मैंने पूरा बंधु ग्रुपे इस और एख कि कॉलेज शुरू हो गए तुम्हारे परीक्षा हो गया दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो इसको दिखाने को बहुत कुछ है तो पूरे इस ब्लॉग को एक्सप्लोर करेंगे और आपको यहाँ पे बहुत ही मस्ती मजा बहुत कुछ दिखाएंगे तो हमारे वीडियो में पूरा कंटिन्यू रहिएगा। तो दोस्तों ये है सुरेंद्रनाथ कॉलेज यहाँ पे, चलिए आप सबको दिखाते हैं बैक कैमरा करके क्या हो रहा है और यहाँ
यहाँ पे कुछ सिस्टम चलते हुए कि कुछ लड़कियों के मांग में सिंदूर भर गया चुका है। Complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel. दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आते हुए सभी दोस्तों का अपना अपना एक ग्रुप है और सब ग्रुप आपस में सेलिब्रेट करते हुए कुछ को तो मैंने ऐसा भी देखा जो पहले से एक्सपीरियंस थे निब्बा निब्बी टाइप जो मतलब मांग में सिंदूर या कुछ ऐसा टाइप में तो यहाँ पे मतलब चारों तरफ इंजॉयमेंट मतलब भरपूर होगा। तो दोस्तों यहाँ चारों तरफ को गुलाल उड़ते हुए दिख जाएगा हरा पीला नीला गुलाबी और यहाँ पे एक से बढ़ के एक रंगीन चेहरे। काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सब देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो जो ग्रुप आए हैं हर एक ग्रुप मतलब अलग अलग लेवल का एंजॉय कर रहे हैं। सबका अपना अपना ड्रेस कोड रखा गया, मतलब बेसिकली दो टाइप के ड्रेस कोड है, एक तो नीला था एक पीला था और भी जो अलग अलग जैसे कि मेरे जैसे जो है वो नॉर्मली जो कपड़ा मिला वो पहन के आ गए। तो सब मैं अभी वुमेन्स कॉलेज में एंटर कर चुका हूँ और यहाँ कुछ प्रोग्राम रखा गया है खाने पीने का, तो चलिए दिखाते क्या है यहाँ का प्रोग्राम। दोस्तों ये है वुमेन्स कॉलेज और आज बॉयज वुमेन सब एक ही है क्योंकि जिसको जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे कुछ खाने पीने का प्रोग्राम रखा गया जिसके लिए कुछ स्टूडेंट्स लाइन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत से कंटेंट को यहीं पे एंड करते हैं और अगर हमारा ये होली का फेस्टिवल कंटेंट आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ऐसे ब्यूटीफुल कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम और आप सभी को हैप्पी होली।